मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मसालेदार केले की पूड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कि ये केले की पूड़ी जो है कितनी अच्छे से बनी हुई है और कितनी फूली हुई है। और ये पूड़ी अगर आप बना लेंगे तो आपको किसी भी सब्जी, अचार या चटनी की जरूरत नहीं होगी। आप इस पूड़ी को इसी तरीके से खा लेंगे। अगर आपको ये मसालेदार केले की पूड़ी की रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब मसालेदार केले की पूड़ी बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। मसाले वाले केले की पूरी बनाने के लिए मैंने ये 3 पके हुए केले लिए हुए हैं। ये पूरी बनाने के लिए आपको जो केला है इस तरीके का पका हुआ ही लेना है। आप देख सकते हैं कि ये केले जो है बहुत ही ज़्यादा पक चुके हैं। इस तरीके का जब केला पक जाता है तो कोई भी नहीं खाता है, हम इसे फेंक देते हैं। अगर इस तरीके से केले पके हुए आपके घर में रहें तो आप पके हुए केले को न फेंकें, उसका इस तरीके से आप पूड़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी इसका पूड़ी बनता है। और मेरे चैनल पे केले से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी है, उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केले को छिलके इसे हम मैश करेंगे। अब तीनों केलों को मैंने अच्छे से छील लिया हुआ है और इसके जो साइड के पार्ट है उसे मैंने कट करके निकाल दिया हुआ है। अब इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहे तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे फॉर्क से मैश करूंगी। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा फॉर्क से, क्योंकि हमारे केले जो हैं बहुत ही ज़्यादा पके हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। अब तीनों केलों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपके केले जो है ज़्यादा मीठे ना हो तो आप इसी स्टेज पे शुगर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे केले जो हैं बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं तो इसके लिए मैं इसके अंदर शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो अब इसके अंदर हम बाकी के और इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। मैंने ये गेहूं का आटा लिया हुआ है। इस बाउल से मैं 2 बाउल के करीब इसके अंदर गेहूं का आटा ऐड करूँगी। अब इसके अंदर मैं ये 1/3 कप के करीब बारीक वाली सूजी ऐड करूँगी। अगर आप स्पून से मेजर करें तो ये 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब है। और मैंने ये 1/3 कप के करीब दही ली हुई है, दही को भी मैं ऐड कर दूंगी। दही ज़्यादा खट्टी आप यूज़ ना करें। अब इसके अंदर मसालों में मैं 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर और मैंने ये 1/2 टेबल स्पून के करीब अजवाइन लिया हुआ है। अजवाइन को भी हम क्रश करके ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अजवाइन का पूड़ी के अंदर। 1/2 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने ये एक हरी मिर्च को बारीक कट करके ले लिया हुआ है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने एक अदरक के छोटे से टुकड़े को ग्रेट कर लिया हुआ है और इसके अंदर मैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करूंगी और 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और मैंने ये 1 बड़ा चम्मच के करीब घी लिया है, घी को भी मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हमें इसका एक टाइट डो तैयार करना है। आप चाहे तो ये डो के अंदर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गरम मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया हुआ है, बिना गरम मसाले के ही इस पूड़ी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और इस पूड़ी को आप जब बनाएंगे ना तो आपको किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं होगी, ना अचार की ना चटनी की, आप इस पूड़ी को इसी तरीके से खा लेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगा वाटर का आटा गूंथने में तभी हम यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे बनाना पूरी का जो डो है वो रेडी हो चुका है। इस डो को तैयार करने के लिए मैंने वाटर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है। हमारे जो केले का पेस्ट था और दही के वजह से ये जो डो है अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं हाथों में ऑयल लूँगी और इसे हम चिकना कर लेंगे।
अगर आपको डो तैयार करने में आपका जो डो है थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप पाउडर यूज कर सकते हैं। अब हमारे मसाले वाले केले के पूड़ी का जो डो है वो तैयार हो चुका है। हमने जब इसके अंदर गेहूं का आटा ऐड किया था तब आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। चावल के आटे से ये आपकी पूरी जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो अब हम इसकी गोलियां तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हाथों में हम तेल लगा लेंगे। पूरी बनाने के लिए जिस तरीके से हम गोलियां तोड़ते हैं उस तरीके की हम गोलियां तोड़ेंगे। इस पूरी को हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे इसलिए लोई जो है हम थोड़ी सी बड़ी ही लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी लोई ली है। इसी तरीके से बाकी के सारी लोइयां हम तोड़ लेंगे। अब मैंने सारी गोलियों को तोड़ लिया हुआ है। अब हम पूड़ी को बेलेंगे। तो पूड़ी को बेलने के पहले हम चकले और बेलन पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। इस पूड़ी को बेलने के लिए मैं सूखे आटे का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ। सूखे आटे का यूज मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अगर आप सूखे आटे का यूज करते हैं पूड़ी बेलते समय तो आपका जो तेल है ना वो फ्राई करते समय तेल के अंदर वो सूखे आटे जो है वो चले जाते हैं तो उस वजह से हमारा जो तेल है वो खराब हो जाता है। अब मैं एक लोई लूंगी। लोई को इस तरीके से मैं चिपटा कर लूंगी और नॉर्मल जो हम पूड़ी बेलते हैं उसे थोड़ा पतला ही बेलते हैं। इस पूड़ी को हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है और पूड़ी का साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूड़ी को बेल के तैयार कर लिया हुआ है। इसी तरीके से बाकी की सारी पूड़ी हम बेल के तैयार कर लेंगे और गैस पे मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। गैस पे मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं एक छोटा सा पूड़ी का टुकड़ा डाल के देखेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ चुका है मतलब हमारा तेल जो है पूड़ी तलने के लिए गर्म है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे ही हम पूड़ी को फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई में हम एक पूड़ी डालेंगे और एक एक पूड़ी डाल के ही हम फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके ही रखा हुआ है। और पूड़ी को मैं हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करूंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारी पूड़ी जो है कितनी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसे मैं पलट लूंगी और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और अब हमारी ये जो मसाले वाले केले की पूड़ी है अच्छे से फ्राई हो चुकी है आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी की सारी पूड़ियां हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हमारे मसालेदार केले की पूड़ी जो है बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी और अपने एक्सपर्ट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।